हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा और आज हमारे बीच पहुंचे हैं हमारे मित्र विनोद ढुल पाई से, जो कि कॉलेज दिनों में हमारे सीनियर भी रहे हैं और एक साथ हमने बहुत सी हरियाणवी स्किटों में काम भी किया है। मोनो एक्टिंग में मेरे प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, मिमिक्री में भी प्रतिद्वंदी रहे हैं और आजकल रोहतक में ये अमर उजाला में एडमिन हेड के पद पर कार्यरत हैं और आज वो प्रतिभा, वो टैलेंट, वो क्षमता आपको भी हम परिचित हैं विनोद ढुल जी से और सुनते हैं उनकी कविताएं, गजल और बेहतरीन चुटकले। राजू शर्मा कॉमेडी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, राजू शर्मा कॉलेज लाइफ से मेरे मित्र रहे हैं, हमने कॉलेज लाइफ में बहुत ही अच्छा समय गुजारा है, खासकर हमारी प्रतिद्वंदिता भी रही है जिसमें हम टैलेंट शो में हरियाणवी चुटकुले होते थे, मोनो एक्टिंग होती थी, मिमिक्री होती थी, फोक कॉस्ट्यूम वगैरह होते थे, लेकिन बाद में जैसे भी कॉलेज को हम रिप्रेजेंट करते थे तो वहाँ इकट्ठे मिलकर जाते थे और हमने बड़े पुरस्कार जीते हैं। कॉलेज लाइफ का मुझे एक चीज याद आ रही है कि हमने 2005 से लेके 2008 तक लगातार 3 बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती है, जो कि हरियाणा दिवस पर एक रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड आज तक टूट नहीं पाया। बिल्कुल सही बात विनोद जी आपने बताई, वो रिकॉर्ड आज तक किसी पर टूटा नहीं है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि जब कॉलेज में हम पढ़ते थे तो हमारा जो हिंदी दिवस होता था बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता था और जो नए नए कवि थे, जो विद्यार्थी थे, कट माचा करता और कई बार आपने वहां पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान भी हासिल किया है और इसी श्रेणी मैंने भी वहां कई बार भाषण में, कविता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल किए, तो क्या कहने चाहेंगे उन मीठी यादों के बारे में? राजीव भाई, वो यादें तो दिल में इस तरह जुड़ी हुई हैं कि कभी उनको भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, और आज आपको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता, वो तो मैं अपनी गजलों कविताओं से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो एक तरह की जो टाइम मशीन होती है ना, टाइम मशीन में बैठते आदमी पुराने समय में चला जाता है, जब इस तरह का जिक्र, इस तरह का इंटरव्यू होता है तो ऐसा आभास होता है कि हम शायद उस जमाने में, उस समय में पहुंच गए हैं। बिल्कुल, मैं राजीव भाई देखो छोटे भाई की तरह मानता हूँ, ठीक है, कॉलेज लाइफ में हमारी होती थी जो प्रतिद्वंदिता होती थी वो सिर्फ ये होती थी कि भाई हम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है। और विनोद, जो कविता लिखने का है, गीत गाने का है, गजलों का है, ये मतलब शुरुआत कहाँ से हुई वैसे इसकी? ये वैसे तो मैं 10वीं 12वीं क्लास में रहा हूँ जब मैंने लिखना शुरू किया था और उसके बाद जैसे कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, तो फिर गुरु जी के संरक्षण में मैं सीखता रहा और मेरा रुझान इस तरह बढ़ता रहा और जैसे जैसे पुरस्कार जीतता रहा तो मेरे अंदर एक मतलब एक उत्साह बढ़ता रहा कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। और आपने राजू भाई जो याद दिलाई है तो मैं कॉलेज लाइफ की भी अपनी जो कविताएं लिखता रहा तो मैं आपको सुनाऊंगा वो आज। हाँ, और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि एक गजल मुक्तक कविता हम सुनना चाहेंगे, तो आप सुनिएगा और आनंद लीजिएगा इस गजल का। तो भाई विनोद से आग्रह है कि सुनाइएगा वो गजल आपकी। दोस्तों, जैसे कि मेरे मित्र राजू ने कहा है कि गजल कोई गीत सुनाओ, तो मैं पहले तो कॉलेज लाइफ की यादें ताजा करना चाहता हूँ जब मैंने लिखना शुरू किया था। तुझसे नजरे क्या मिलाई थी, दिल के दीवार उधर महकते हैं, तुझसे नजरे क्या मिलाई थी, दिल के दीवार उधर महकते हैं, तेरा नाम क्या लिखा मैंने, तेरा नाम क्या लिखा मैंने, शायरी के भी सिर महकते हैं, क्या बात, शायरी के भी सिर महकते हैं। राजू भाई आपने दिल के तार छेड़े आज। शायरी के भी शेर महकते हैं। हाँ। वाह। जिक्र होता है जब भी बातों में, जिक्र होता है जब भी बातों में, डूब जाता हूँ तेरे ख्वाबों में, डूब जाता हूँ तेरे ख्वाबों में, तेरा दीदार क्या किया मैंने, तेरा दीदार क्या किया मैंने, नजर आने लगी किताबों में, नजर आने लगी किताबों में, नजर आने लगी किताबों में। राजू भाई, सबकी जिंदगी में दौर आता है। हाँ, दौर है। एक श्रृंगारिक कवि तो आप रहे हो, इसके साथ साथ तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सी बातें आपने लिखी। हाँ, है आपको तो पता है राजू भाई, जब हिंदी दिवस होता रहा तो मैं प्रेम की कविताएं सुनाता रहा। बिल्कुल, मेरा फोकस इसी पे रहता रहा। आप प्रेम की सुनाते थे और मैं हास्य रस की रचना। हाँ, आप मित्र हास्य रस की। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी दंगों में खून बहता है,
जब भी दंगों में खून बहता है, मानवता पे सवाल जाता है, मानवता पे सवाल जाता है, माँ के दर्द को महसूस करो, माँ के दर्द को महसूस करो, जिसके सीने का लाल जाता है, जिसके सीने का लाल जाता है। भारत में कहीं भी दंगे हो, सबसे बड़ा नुकसान माँ का होता है। माँ का, बिल्कुल, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, माँ हो, भारत माँ हो, नुकसान माँ का ही, माँ का ही होगा, और उसके दर्द को कोई नहीं समझ नहीं सकता, नहीं समझ सकता। इसलिए दंगों से बचना चाहिए, बचना चाहिए। राजनीति में लिखा है मैंने, राजीव भाई, आप तो पता है भारत में भी इलेक्शन हुए, बिल्कुल। राजनीति का दौर क्या आया, राजनीति का दौर क्या आया, जाति मजहब में बंटने लगता है, जाति मजहब में बंटने लगता है, क्या हुआ है मेरे वतन को यहाँ, क्या हुआ है मेरे वतन को यहाँ, भाई भाई से लड़ने लगता है, भाई भाई से लड़ने लगता। बहुत अच्छी बात विनोद, आपने अपनी गजल के माध्यम से आप बता रहे हो, और आप भी एमए हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं जी राजू भाई, मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ हिंदी का। तो कबीर दास जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो अपने जाति पे सुनाया कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो बयान। इन जातियों में बेहतरीन गजल आपने सुनाई और लोगों को अवेयर भी किया, प्रेम का भी महत्व बताया, और सबसे बड़ी जो योद्धा होती है माँ, माँ का तो कर्ज इंसान कभी उतार नहीं सकता, चाहे वो धरती माँ हो, जननी माँ हो। और एक फौजी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां कही है विनोद भाई, कि घर पे नन्नी चहकती चिड़िया को छोड़ आया हूँ, किसी के महकते गजरे को छोड़ आया हूँ, सीने से लगा लेना ऐ भारत माँ, घर पे मेरी माँ की तरसती बाहों को छोड़ आया हूँ, घर पे मेरी माँ की तरसती बाहों को छोड़ आया हूँ। बिल्कुल राजू भाई, राजू भाई मैं एक चीज मानता हूँ, जो भी जवानी इस देश में शहीद होती है उसका मोल जिंदगी भर कोई भी नहीं चुका सकता। बिल्कुल, जितने भी चाहे जवान हो, हमारे क्रांतिकारी हो, उनका ऋण ता उम्र नहीं चुका जा सकता, हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। और एक बेहतरीन रचना आपने सुनाई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पुरानी यादों को ताजा किया। मैं चाहूंगा कि आप समय निकाल कर हमारे चैनल पर आते रहें और इस तरह की गजल गीत दर्शकों को सुनाते रहें। तो अंत में क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों को? राजीव भाई मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इंसान चाहे कितना भी ऊंचा चला जाए, तरक्की कर ले जिंदगी में, एक तो अपने बचपन के मित्रों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुख दुख के साथी वही होते हैं। हमारे कुछ मित्र थे, मैं चाहूंगा कि आप चैनल पर नाम ले, उनका भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़े होंगे वो, जो हमारे साथ थे, शायद कुछ नाम आपको अभी भी याद है, अपनी जिक्र भी कर रहे थे अभी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी श्री बलजीत ढुल का नाम, बलजीत ढुल जी, क्योंकि आज भी हम उनसे मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे एक दोस्त एक भाई मिलता हो। बिल्कुल बिल्कुल, और आप तो हमारे मित्र हुई, एक लंबा संघर्ष डॉक्टर बलजीत ढुल जी ने किया, और आज प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है, परमानेंट प्रोफेसर है सेजन कॉलेज में, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है, और हम भी कामना करते हैं उनके दीर्घायु की, और स्वस्थ रहें, जहां भी रहें मस्त रहें, और अपने विद्यार्थियों पर उनका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। तो हमारे जो मित्र मंडली में नाम आते हैं, सुभाष शर्मा है, पुनीत जी होते थे, पुनीत जो संस्कृत के विद्वान थे, और अच्छे गगन शर्मा जी होते थे, गगनदीप चौहान प्रेम जी होते थे, प्रेम जो आजकल लंदन में है, और अनिल भारती जी, संदीप गोयत और नाम इसमें एक हरदीप में, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे नाम है, सुशील कुंडू जो आजकल अमेरिका में है, और उस समय पुलिस में भी जॉब की उन्होंने, और भी कुछ नाम शायद हमसे कई बार वो दिमाग से स्लिप हो जाता है, लेकिन एक बड़ा अच्छा बैच हुआ करता था, और आजकल लगभग सभी अपने अपने फील्ड में सफल भी हैं। अशोक सम्राट बिल्कुल अभी मिले थे, अभी एनएसएस के कैंप में मिले थे, में एनएसएस के कैंपों की यादें आज भी आपके जहन में ताजा है। और बेहतरीन समय रहा कॉलेज का, बेहतरीन हमारा कॉलेज भी इतना प्यारा कॉलेज है, आरकेएसटी कॉलेज कैथल, जो कि किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, अपने आप में अगर आसपास देखें तो इसकी सुंदरता, और जिसका लगाव यहां से हो जाता है, जो यहां से पढ़ लेता है, मेरे हिसाब से ताउम्र भूल नहीं पाता। नहीं, इन यादों को बिल्कुल दिल में संजो के रखते हैं हम,
और जिंदगी मतलब कॉलेज का कर्ज नहीं उतार सकते जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम समाज में आज कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत आभार दर्शकों का, आपने ये इंटरव्यू सुना और इसी प्रकार विनोद भाई आगे भी आते रहेंगे, आपका एक बार पुनः हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।